हाय फ्रेंड्स, द जॉब्स जंक्शन परिवार में आपका स्वागत है। अब हम लोग आज का टॉपिक को पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है लक्षद्वीप। तो आज हम लोग जानेंगे कि लक्षद्वीप का निर्माण कैसे हुआ, लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है, उसके बाद लक्षद्वीप को कितने भागों में बांटते हैं, और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न सब यहाँ से बनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आपको पता है कि यह जो है हमारा भारत का जो है मैप है, एक समझने के लिए मैप बनाया गया है, और इधर में जो है आपका क्या है, अरब सागर है, और इधर में जो है बंगाल की खाड़ी है। पिछले वीडियो में हमने जो है बंगाल की खाड़ी के अंडमान और निकोबार के बारे में जो है विधिवत तरीके से पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको प्लेलिस्ट में जाकर के देख ले। अब हम बात करते हैं अरब सागर का। तो जो हमारा लक्षद्वीप है वह कहाँ पे स्थित है भाई? अरब सागर में स्थित है। अगर हम इसकी स्थिति के बारे में जानेंगे कि लक्षद्वीप कहाँ पे है, तो अरब सागर में है। कहाँ पे है यह? अरब सागर में स्थित है। उसके बाद हम बात करते हैं कि लक्षद्वीप का निर्माण कैसे हुआ, लक्षद्वीप जो है किस प्रकार का द्वीप है। जैसे हमने कल जो है अंडमान निकोबार में जो है देखा था कि अंडमान निकोबार किस प्रकार का द्वीप है, तो आर्चिपिलागो यानी कि कैंची के आकार का द्वीप के बारे में हमने पढ़ा था। उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं कि लक्षद्वीप किस प्रकार का द्वीप है, तो वह हो जाएगा आपका क्या, कोरल द्वीप। किस प्रकार का द्वीप है? कोरल द्वीप है। और कोरल क्या होता है भाई? तो कोरल जो है एक समुद्री जीव होता है जो कि पानी के अंदर में रहता है, और उसका जो पूरा शरीर जो है वह कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा बना हुआ रहता है। किसके द्वारा? कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा बना रहता है। और जब वह जीव की मृत्यु होती है तब क्या होता है, उसका जो शरीर है वह क्या होता है, पानी के ऊपर आना शुरू हो जाता है, पानी के ऊपर आ जाता है। इस प्रकार से जो कोरल है, बहुत सारे कोरल जो है एक साथ जब जमा हो जाते हैं तो किसका निर्माण हो जाता है भाई? द्वीप का निर्माण हो जाता है। क्लियर है? आप यहाँ पे समझ सकते हैं। जैसे यह जो है क्या है, जल है, और यह जो है जीव पाए जाते हैं, जो ब्लू वाला यहाँ पे किया गया है, यह सब क्या है, जीव है। और जब इस जीव की मृत्यु होती है तो क्या होते हैं, समुद्र के ऊपर आ गए, है ना। और इससे क्या हुआ, एक धरातल की तरह जो है द्वीप का निर्माण हो गया, एक स्थल का जो है निर्माण हो गया। क्लियर है? उसके बाद अब यह तो बना है कोरल नामक जीव से, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या नहीं पाया जाता है, वन नहीं पाया जाता, यानी कि यहाँ पे उतनी ज्यादा मिट्टी है नहीं जिसकी वजह से यहाँ पे वन नहीं पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि जो लक्षद्वीप है तो आखिर इसका नाम जो है लक्षद्वीप ही था या इसके पहले कुछ और नाम था, है ना। उसको इस बात को समझने से पहले हम थोड़ा लक्षद्वीप के बारे में जानते हैं। तो जो लक्षद्वीप है उसको हम तीन भाग में बांटते हैं। कितने भाग में बांटते हैं? लक्षद्वीप समूह को तीन भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा? तो एक अमीनी द्वीप होता है, एक लक्का द्वीप समूह होता है, और मिनिकाय द्वीप समूह होता है। यानी कि लक्षद्वीप के अंदर तीन समूह बनते हैं, वह कौन कौन से? अमीनी द्वीप समूह, लक्का द्वीप समूह, और मिनिकाय द्वीप समूह। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो यह सब जितने भी यह समूह है, समूह का मतलब आपको पता है कि बहुत सारे द्वीपों का जो है एक समूह होता है ना, जहाँ पे बहुत सारे द्वीप रहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे द्वीप है, ठीक है। तो इतना का जो है हमने क्या ले लिया, अमीनी द्वीप समूह ले लिया, यानी कि इतने द्वीप मिलके किसका निर्माण किया, अमीनी द्वीप समूह का निर्माण किए। उसके बाद फिर जो है यह जो यह सब सारे क्या है, द्वीप है ना। इन सब ये सब द्वीप मिल करके जो है किसका निर्माण किया, तो लक्का द्वीप समूह का या कन्नानोर द्वीप समूह का निर्माण किया, है ना। लक्का द्वीप समूह का निर्माण किया। और जो लक्षद्वीप की राजधानी है कावारत्ती, वह आपके लक्का द्वीप समूह में आता है। किसमें आता है? लक्का द्वीप समूह में आता है, ठीक है। उसके बाद एक और द्वीप समूह जो था मिनिकाय द्वीप, जो कि थोड़ा ही लक्का द्वीप से जो है हट करके, इससे थोड़ा बहुत ज्यादा दूरी पे है, वह कौन है? मिनिकाय द्वीप, ठीक है। अब जो है अमीनी द्वीप, उसके बाद जो है लक्का द्वीप और मिनिकाय द्वीप, ये तीनों को अगर हम मिला देते हैं त-
तब किसका निर्माण होता है? लक्षद्वीप का निर्माण होता है। किसका होता है भाई? लक्षद्वीप का निर्माण होता है। और जो अमीनी द्वीप समूह है और जो लक्काद्वीप समूह है एकदम पास में ही, बस थोड़ा सा जो है गैपिंग है उसमें, आपको पता नहीं चलेगा कि कहां से कहां तक जो है अमीनी द्वीप समूह है, कहां से कहां लक्काद्वीप समूह है, लगभग ये दोनों सटे हुए रहते हैं। वहीं अगर हम मिनिकाय की बात करेंगे तो लक्काद्वीप से क्या है, वो थोड़ा ज्यादा दूरी पे स्थित है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो लक्काद्वीप है और जो मिनिकाय द्वीप है, इसको अलग करने का काम कौन करता है भाई? तो 9 डिग्री चैनल करता है। कौन करता है? 9 डिग्री चैनल। पिछले वीडियो में हमने बताया था चैनल किसे कहते हैं, तो मिनिकाय द्वीप और लक्काद्वीप को अलग करने का काम कौन किया? 9 डिग्री चैनल। अब हम बात करते हैं कि जैसे यहाँ पे हमने देखा कि अरब सागर है और यहाँ पे कौन सा देश है? लक्षद्वीप के पास में जो है कौन सा देश है? मालदीव है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? श्रीलंका आ जाएगा। उसके बाद कल हमने अंडमान निकोबार में जो है देखा था, तो जो ग्रेट चैनल जो था कौन था? ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल के पास में जो है किसको जोड़ने का काम करता था? सुमात्रा द्वीप को, यानी कि इंडोनेशिया में, है ना। तो उस तरह से यहाँ पे मालदीव, तो यानी कि जो अरब सागर में जो है भारत सबसे सटा हुआ किससे है? तो मालदीव से है, जैसे बंगाल की खाड़ी में इंडोनेशिया से है। ठीक है, और हमको पता है कि भारत से जलीय सीमा बनाने वाले दो देश हैं, वह एक आपका श्रीलंका आ जाता है और एक मालदीव आ जाता है। ठीक है, तो जो 9 डिग्री चैनल है वो मिनिकाय और लक्काद्वीप को कर लिया। उसके बाद हम बात करते हैं कि मिनिकाय द्वीप है, उसके बाद जो है यहाँ पे कौन सा देश आ जाता है? मालदीव आ जाता है। कौन आ जाता है भाई? मालदीव। तो जो मिनिकाय है और मालदीव है, इसके बीच में भी एक चैनल है, इस चैनल का नाम क्या है? तो 8 डिग्री चैनल। कौन सा चैनल है भाई? 8 डिग्री चैनल है। तो और 8 डिग्री चैनल जो है किसको किसको जोड़ने का काम करता है? तो भारत मालदीव। अगर प्रश्न जो है इससे भी ज्यादा डीपली जाएगा तो वहां पे ऑप्शन में दे देगा भारत मालदीव को ना दे करके लक्षद्वीप और मालदीव को दे देगा। जैसे आखिर यहां से यहां तक तो जो है लक्षद्वीप ही है, तो अगर हम बात करें मिनिकाय द्वीप बोले तो, या अगर हम पूरा को ले लेते हैं तो ये सब पूरा लक्षद्वीप आ जाएगा, इसलिए जो है लक्षद्वीप और मालदीव को। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, अगर इसको डिवाइड करके बात करेंगे लक्षद्वीप को, तो जो लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी पार्ट है वह कौन सा है? मिनिकाय द्वीप है। और मिनिकाय द्वीप और मालदीव को जो है जोड़ने का कार्य करता है। और अगर हम बात करते हैं कि लक्षद्वीप का सबसे उत्तरी जो है कौन सा द्वीप समूह है, तो वह हो जाएगा आपका अमीनी द्वीप समूह। और यहाँ पे जो है लक्षद्वीप में एक हवाई अड्डा स्थित है जो कि लक्काद्वीप समूह में स्थित है, वह है अगाती द्वीप पर। अगाती द्वीप लक्षद्वीप समूह का ही एक भाग है, वहां पे क्या है? हवाई अड्डा स्थित है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे समझ गया कि लक्काद्वीप, अमीनी द्वीप, मिनिकाय द्वीप, ये सब लक्षद्वीप के पार्ट है। अब जो है पहले जो है हम लोग इस लक्षद्वीप को किस नाम से जो है जानते थे, तो पहले हम इसको लक्षद्वीप ना करके सबको अलग अलग नाम से जानते थे, जैसे अमीनी द्वीप समूह, लक्काद्वीप समूह और मिनिकाय द्वीप समूह। इसे सबसे शुरू में लक्काद्वीप समूह, अमीनी द्वीप समूह, मिनिकाय द्वीप समूह द्वीप कहा जाता था, बाद में सब एक नाम लक्षद्वीप के नाम से जाना जाने लगा। मतलब कि जो तीनों था इनको सबको हम अलग अलग नामों से जानते थे, लेकिन बाद में तीनों को हम क्या कर दिए? एक नाम दे दिए, वह है आपका लक्षद्वीप। और यह जो लक्षद्वीप है तो यहाँ पे जो है टीपू सुल्तान का शासन हुआ करता था। किसका शासन हुआ करता था? टीपू सुल्तान का। ठीक है, उसके बाद अगर हम पूछ दे कि जो लक्षद्वीप हो किन देश से नजदीक है, तो अभी हमने यहाँ पे चर्चा किया वह देश हो जाएगा कौन? मालदीव। देखिए यहाँ पे जो है लक्षद्वीप है और यहाँ मालदीव है, इसके बीच का जो गैप है कौन सा डिग्री हो जाएगा? 8 डिग्री चैनल। ठीक है, तो भारत और मालदीव को कौन अलग किया? 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल कौन है? तो मिनिकाय और लक्काद्वीप को अलग किया। तो और 10 डिग्री चैनल की बात करेंगे कौन हो जाएगा? तो अंडमान और निकोबार, यानी कि अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और अभी तक अगर आपने द जॉब्स जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।